मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत प्लेटो का अध्ययन करेंगे। प्लेटो को पहला राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो के पहले कोई राजनीतिक दर्शन हुआ नहीं था या उससे पहले कोई राजनीतिक दार्शनिक हुए ही नहीं हो। अगर प्लेटो से पहले देखें तो हम उनके गुरु सुकरात, सोफिस्ट जो विचारक थे, वो भी उससे पहले रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जो एक तर्कसंगत और क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ वह प्लेटो की ही देन है। प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण संदेश मानव जाति के कल्याण के लिए दिए हैं। पहला, प्लेटो का एक बहुचर्चित स्टेटमेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्लेटो का मानना है कि राज्य कोई एक निर्जीव संस्था नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की तरह एक सजीव संस्था है। एक मनुष्य के अंदर माना जाता है कि तीन गुणों का समावेश होता है। पहला सत्गुण, दूसरा रजगुण, तीसरा तमगुण। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर तीन गुणों का समावेश होता है, लेकिन एक आदर्श व्यक्ति वही होता है जिसमें इन तीनों गुणों की उपस्थिति तो होती है, लेकिन उसमें सत्गुण की प्रधानता होती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर सत्गुण की प्रधानता होती है वह एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। ठीक इसी प्रकार प्लेटो ने बताया है कि राज्य के अंतर्गत भी इन तीनों गुणों का समावेशन होता है, लेकिन आदर्श राज्य वही होगा, वही होता है, वही कहलाएगा जिसके अंतर्गत सत्गुण की प्रधानता होती है। प्लेटो का यह कथन आज भी एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो का जो दूसरा जो संदेश है वह यह है कि राजनीतिक शक्ति को और आर्थिक शक्ति के को अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना चाहिए। और प्लेटो से लेकर आज तक के अगर वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जहाँ आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक जगह संकेंद्रित हो जाती हैं वहाँ पर शासक और प्रशासक भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से पृथक किया जाना अपरिहार्य है, ऐसा प्लेटो का मानना था और आज भी यह उनका कथन पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। हम प्लेटो के जीवन परिचय पर अगर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि प्लेटो का जन्म एथेंस जो एक प्राचीन नगर रहा है उसमें 428 ईसा पूर्व हुआ। उनके पिता का नाम अरिस्तोक्लीस था, माता जी का नाम पेरिक्तियोन था। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वह अरिस्तोक्लीस था, लेकिन उसकी स्कूल के शारीरिक शिक्षक ने प्लेटो का नाम प्लाटून रखा और प्लाटून का शाब्दिक अर्थ होता है चौड़ा लंबा। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लाटून ही होता है। उसका अरबी भाषा में जो विकृत रूप है अफलातून भी कभी कभी कहा जाता है। कालांतर में धीरे धीरे प्लाटून के लिए प्लेटो शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा और आज भी यही शब्द सामान्य प्रचलन में दिखाई देता है। जब प्लेटो का जन्म हुआ
तो यूनान में एक अस्थिरता का दौर रहा था। 420 से 400 ईस्वी के मध्य यूनान के दो बड़े राज्यों एथेंस और स्पार्टा के मध्य एक लंबा संघर्ष चला। इस लंबे संघर्ष के समयावधि में ही 404 ईसा पूर्व एथेंस में क्रांति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेंस में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका जाता है और उसके स्थान पर एक 30 लोगों की मंडली का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस 30 लोगों का जो जो शासन था वह एक आततायी शासन का रूप धारण कर लेता है। कुछ समय बाद में एक दोबारा क्रांति होती है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ 30 व्यक्तियों का जो आततायी शासन था उसके स्थान पर पुनः लोकतंत्र की स्थापना एथेंस में हो जाती है। लेकिन ये जो एथेंस में लोकतंत्र की जो स्थापना हो गई, इसके बावजूद भी एथेंस की जो हालात हैं, एथेंस की जो राजनीतिक स्थिरता है वो बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाती है। लोकतांत्रिक शासन के आड़ के अंतर्गत तमाम प्रकार के दुर्गुण शासन के अंदर समाविष्ट होते चले जाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप प्लेटो जो अपने बाल्यावस्था में एक पॉलिटिशियन बनने की चाह रखते थे, धीरे धीरे वो पॉलिटिशियन बनने से उनका मोह भंग हो जाता है और पॉलिटिशियंस तो वो नहीं बनते हैं लेकिन एक पॉलिटिकल फिलोसोफर ज़रूर वो बनते चले जाते हैं। प्लेटो के जीवन चक्र के इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब वे 28 वर्ष के होते हैं, लगभग 399 ईसा पूर्व, तो एक बहुत ही मार्मिक घटना उनके जीवन में घटती है जो उनके पूरे दर्शन को ही बदल कर रख देती हैं। 399 ईसा पूर्व वही लोकतांत्रिक व्यवस्था जो एथेंस में स्थापित हो गई थी, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस अर्थात सुकरात को विष का प्याला देकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना का प्लेटो के जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके आगे आने वाले 12 साल तक वो दुनिया के विभिन्न स्थानों पर मिस्र है, इटली है आदि स्थानों पर भ्रमण करते रहे हैं। तो उनके आगे का जो 12 वर्ष का जो इतिहास है उसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि इस कालावधि के दौरान प्लेटो भारत के गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों का भ्रमण भी करने आते हैं, लेकिन इसका कोई